पॉइंट चैनल आशा सुनने फ्रेंड कैसे हैं आप लोग। आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं रूप मंत्रा हर्बल डायमंड फेशियल किट। और ये फेशियल किट देखिए आपको इस तरह की पैकिंग में आपको दिखाई दे रहा है। और ये आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है क्योंकि ये जड़ी बूटियों से बनाया गया है और डायमंड किट है तो डायमंड एश से तैयार किया गया किट है। डायमंड किट का ये क्लिंजिंग मिल्क है और ये क्लिंजिंग मिल्क देखिए इस तरह की पैकिंग में है और 15 ग्राम का ये क्लिंजिंग मिल्क पैक है और इसमें डायमंड ऐश, तुलसी, नींबू, नीम और मुलेठी के मिश्रण से बनाया गया है और जिससे कि स्किन, इंटरनल स्किन भी क्लीन होती है। बाकी जो क्लिंजिंग मिल्क होते हैं केवल ऊपरी स्किन तक ही वो इफेक्टेड होते हैं, लेकिन ये आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से, औषधियों से बना हुआ ये क्लिंजिंग मिल्क बहुत अच्छा है। ये सबसे पहले हम फेस को क्लीन करेंगे। हमने बताया कि कोई भी कार्य करने से पहले फेस को क्लीन कर लेना चाहिए। और अब हम देखिए ये पैकिंग है डायमंड नरिशिंग क्रीम की और फेस मसाज हम इससे करके आपको बताएंगे। ये रूप मंत्रा डायमंड फेस मसाज क्रीम है और हमने एक फेस के लिए इतना स्पून के जरिए लिया है, ये काफ़ी है। जितनी अच्छी क्वालिटी होती है उतना ही क्वांटिटी हमको कम लेना होता है, ये आप भी जानते हैं। और इस तरह से हमने सारे फेस पर इस क्रीम को अप्लाई किया है और ये देखिए इस तरह से हमने क्रीम को फैलाते हुए अब हम मसाज देंगे। यहाँ हम गीला हाथ करके ही मसाज देंगे जिससे कि प्रॉपर वे में हाथ हमारा स्लिप हो सके। हमको प्रेशर नहीं देना है, हल्के हाथ से स्लिप करते हुए हम मसाज देंगे। फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट है कि टिल टू एंड तक हमारा वीडियो वो जरूर करिए क्योंकि प्रॉपर वे में फेशियल के स्टेप जो हम आपको बताने जा रहे हैं, दिखाने जा रहे हैं, तो वो काफ़ी यूज़फुल हैं और उसी के अकॉर्डिंग हमको फेस मसाज देनी चाहिए। किस तरह से स्टेप्स को स्ट्रेच करना है, किस तरह से लूज छोड़ना है और कहाँ टेंशन पॉइंट और ये सारे पॉइंट्स को हम प्रेशराइज करते हुए मसाज देंगे। फ्रेंड्स ये 15 ग्राम की जो नरिशिंग क्रीम है ब्रज भस्म और तुलसी, एलमंड ऑयल और ऑलिव ऑयल के मिश्रण से बनाया गया हुआ ये एक काफ़ी हर्बल ट्रीटमेंट है, हर्बल क्रीम है जिससे हम मसाज दे रहे हैं। डायमंड फेशियल नरिशिंग क्रीम जो है वो काफ़ी अच्छी है और हम आपको बताते हैं कि ये स्किन के रोम छिद्रों को खोलकर स्किन को क्लीन करता है, ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है, स्किन की पॉलिश होती है इससे, त्वचा की इंटरनल जो पोर्स होते हैं उनको खोलकर ये काफ़ी इंटरनल लेयर तक पहुंचकर अपने मसाज के जरिए स्किन को स्मूथ, सॉफ्ट और दाग धब्बों को रहित करने में सहायक होती है। फ्रेंड्स ये डायमंड जो क्रीम रूप मंत्रा की है इसका कोई एक्सपायरी डेट नहीं है क्योंकि ये हर्बल ट्रीटमेंट है और ऑल टाइप ऑफ स्किन है, आप आराम से यूज़ करिए, कोई दिक्कत नहीं है। स्किन के पिगमेंटेशन को कम करती है, पिगमेंटेशन जब हो जाते हैं तो उन पिगमेंटेशन को रिमूव करने में भी ये सहायक होती है। पॉलिशिंग का काम इसलिए है कि ये डायमंड के ऐश से बनी हुई क्रीम है जैसा कि हमने अभी बताया, इसलिए ये रिच क्वालिटी की क्रीम है, नरिशिंग क्रीम बहुत ही अच्छी है। स्किन को सबसे ज़्यादा ये ग्लोइंग का काम करती है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और इंटरनल जब हमारी स्किन के अंदर तक जाकर ये अपना जब क्रीम काम करती है तो नेचुरल वे में हमारी स्किन ग्लो करती है और एक ग्लोइंग फेस के रूप में, दाग धब्बों रहित के रूप में और जो एजिंग वाली बात होती है, रिंकल है, लाइन है और ये सारी चीज़ें, टैनिंग वाली बात है, ये सब चीज़ों को रिमूव करते हुए जब स्किन को ग्लो पहुंचाती है तो हमारा फेस एकदम चमकने लगता है। हम यही आपको बताना चाह रहे हैं कि आप एक बार रूप मंत्रा डायमंड नरिशिंग क्रीम को यूज़ करके देखिए, आप बार बार करेंगे कोई इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं है।
तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमने इसकी क्वालिटी आपको बताई, अब करने का तरीका हम आपको बता रहे हैं। आप पूरी तरह से अच्छी तरह से देखिएगा कि किस तरह से इस क्रीम में फेस पर ग्लो आता है। आपने फेस मसाज से पहले भी स्किन को देखा, फेस को देखा था, अब आप बाद में देखिएगा कि किस तरह से एकदम शाइन फेस करेगा और आपको भी अच्छा लगेगा। ये स्टेप्स लेने का तरीका देखिए, हमको ये ध्यान देना है कि नीचे से ऊपर की साइड में हम स्किन को स्ट्रेच करते हुए मसाज देंगे। फॉरहेड पर हम थोड़ा सा प्रेशर बढ़ा सकते हैं, जो कि हार्ड स्किन है हमारी वहाँ, और टेंशन पॉइंट पर भी हम इस तरह से मसाज देंगे। और ये चीक्स पर, आईबॉल पर, ये सारी चीज़ों का हमको ध्यान रखना है। बहुत सॉफ्टली हमको स्टेप्स के जरिए फेस मसाज देनी है। ये देखिए, हम नीचे से स्ट्रेच कर रहे हैं और ऊपर केवल दिखाने के लिए हम ले जा रहे हैं। ये देखिए आप, इस तरह से ये स्टेप्स को हमको ध्यान रखना है कि कहाँ हमको थोड़ा टाइटली स्ट्रेच करना है स्किन को, और कहाँ हमको लूज छोड़ना है, कहाँ बहुत ही सॉफ्टली हमको हैंडल करना है। ये आप ध्यान से देखिए, सारे स्टेप्स हम फेस मसाज के बता रहे हैं, और इससे पहले भी काफ़ी सारे वीडियो हमने पोस्ट किए हैं, उसमें भी बताए हैं, लेकिन आज हम फिर से, मेरे फ्रेंड्स का कुछ का कहना है कि मैम आप अच्छे से और समझाइए। आप बार बार पूछ सकते हैं, हम बार बार समझाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप ध्यान से देखिए, टिल टू एंड वीडियो वॉच करिए तो बिल्कुल आपको समझ में आएगा। फिर भी कोई दिक्कत है तो हम बताते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमने डायमंड स्क्रबिंग का जो काम बताया था, स्टेप्स बताए थे, वो अलग तरह के थे। और अब हम देखिए, यहाँ आई बॉल पर हम मसाज देते हुए बहुत ही सॉफ्टली यहाँ हमने स्टेप लिया है, इस तरह से मसाज दी है। तो स्क्रब का जो स्टेप है वो अलग है, उसको आँखों पर हमको यूज़ बिल्कुल नहीं करना है, बहुत ही राउंड शेप में करना है। इससे पहले वीडियो में आपने देखा होगा, लेकिन अभी क्रीम से जब हम मसाज कर रहे हैं, नरिशिंग क्रीम डायमंड की जो हमने ली है, इस तरह से स्टेप्स को लेकर मसाज करेंगे। फ्रेंड्स, ये फेस मसाज का काम अपने आप में स्किन को ग्लोइंग का काम होता है, लेकिन जब हम रिच क्वालिटी का कोई भी प्रोडक्ट यूज़ करते हैं तो फिर और भी ज़्यादा उसमें हमारे काम में जान आ जाती है, स्किन ग्लो करने लगती है। और जो फंक्शन हम आपको दिखा रहे हैं, अगर उनका भी हमने ध्यान रखा है तो बिल्कुल हमारे फेस पर ग्लो का काम होगा। ये देखिए, मसाज इस तरह से हमने सारे फेस पर दी, आपने देखा और समझ में आया होगा। इस तरह से मसाज देने के बाद में हम फेस को देखिए ऊपर की साइड स्ट्रेच कर रहे हैं, जिससे कि स्किन हमारे नीचे की साइड में ना टर्न हो, ऊपर की साइड में ही वो रहे। इसलिए टेंशन पॉइंट का एक रहता है कि काफ़ी रिलीफ मिलता है जब हम टेंशन पॉइंट पर करते हैं। ईयर के पोर्शन का भी हमको ध्यान रखना है कि इस तरह से मसाज। तो फ्रेंड्स, ये आपने देखा कि डायमंड नरिशिंग क्रीम जो रूप मंत्रा की है, इसके रिजल्ट्स आप अब देखेंगे। और इस तरह से हमने प्रॉपर वे में फेशियल करके बताया है, विश्वास है आपको समझ में आया होगा। ये देखिए, एंड हम इस तरह से करेंगे बहुत ही वाइब्रेशन के साथ में, जिससे कि ये अच्छे से हमारी स्किन में एब्जॉर्ब हो जाए। इस क्रीम की ये खूबी है कि ये स्किन में एब्जॉर्ब डीपली हो जाती है, और जिससे कि हमारे ये जो क्रीम है अपना पूरा काम कर सकती है, पूरा काम कर लेती है, स्किन को ग्लोइंग का, टैनिंग रिमूवल का, और ये पिगमेंटेशन वाली जो प्रॉब्लम है, रिंकल वाली प्रॉब्लम है, दाग धब्बों की प्रॉब्लम है, और डार्क सर्कल्स की प्रॉब्लम है, ये सारा अच्छे से सब रिमूव हो जाता है। ये देखिए, हमने अब वॉश किया एब्जॉर्ब होने के बाद में, और नैपकिन से हम ये पहुँच रहे हैं। आपको दिखाई दे रहा होगा कि फेस कितना ग्लो करने लगा, आपने पहले भी देखा था। हमको अब स्किन को ऐसे ही नहीं छोड़ना है, हम फेस पैक लगाएंगे। फेस पैक लगाने का टाइम अगर नहीं है तो फिर हम मॉइस्चराइज़र या फिर
टोनिंग का काम करेंगे, जिससे कि हमारा फेस के जो पोर्स खुले हैं मसाज के जरिए वो बंद हो जाएं। ये देखिए इस तरह से हमने मॉइस्चराइजर लगाया और स्किन को एक अलग ग्लोइंग के रूप में जो हमको दिखाई दे रही है वो हम देख रहे हैं। विश्वास है फ्रेंड्स आपको ये हमारा डायमंड नरिशिंग क्रीम का जो फेशियल है आपको पसंद आया होगा, और स्किन पर जो इफ़ेक्ट दिखाई दे रहे हैं वो भी आप देख रहे हैं। तो पसंद आया तो अपने लाइक एंड शेयर करने के साथ साथ अपने व्यूज़ और चॉइस ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए फेस कितना ग्लो कर रहा है।